लगभग जब से मेरे में थोड़ा सा दिमाग आया, थोड़ा सा मैं सोच रहा था, चौथे पांचवे क्लास से ही, तब से ही डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी। इसके लिए मैं डॉक्टर बन रहा हूँ और मेरे भी अपना कुछ समाज के प्रति कर्तव्य है। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं बिहार से हूँ, रहने वाला हाजीपुर से हूँ। यहाँ पे डॉक्टर की संख्या बहुत कम है। एज डेवलप कंट्री के रिलेटेड अगर देखा जाए तो यहाँ डॉक्टर की संख्या बहुत कम है। एक बड़ा सा समस्या में छोटी सी मेरा कोई अगर योगदान हो तो उससे मैं बहुत खुश रहूँगा। My name is Yashika and I am from India, from the state Haryana, and I am going to Russia, Orenburg state. Orenburg actually काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए थे ओरनबर्ग के मेरे पास भी, काफ़ी और यूनिवर्सिटीज़ भी थी, बट पर्सनली मुझे ओरनबर्ग ज़्यादा अच्छी लगी बिकॉज एज़ कंपेरिजन टू अदर यूनिवर्सिटी यहाँ पे बताया जाता है कि स्टडीज़ काफ़ी अच्छी हैं, मतलब स्ट्रिक्टनेस है और डिसिप्लिन स्ट्रिक्टनेस जो कि एक डिसिप्लिन स्टूडेंट को चाहिए भी। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट वहाँ पहले से जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं और अच्छे रिमार्क्स मिल रहे हैं उनको, अच्छे पीजी सीट्स मिल रहे हैं। And as a journal category, it's not possible for us to get the seat in a government college. एक सब्जेक्ट वीक था नीट में, इसके कारण मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया। क्वालिफाई तो मैं कर चुका हूँ बट कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया। फर्स्ट मैंने ट्राई किया था 2022 में और 12th के बाद, जस्ट बाद, और फिर उसमें कुछ मार्क्स रह गए, फिर मैंने दूसरा बार ट्राई किया। आई थिंक मैं अपना बेस्ट दे चुकी थी एंड उसके बाद मुझे नहीं लगा कि अब लेने का कोई फ़ायदा है, कोई नीड है उसकी। मैंने इस बारे में सोचा था बट मैं सोचा कि एक साल दूँ फिर भी ना हो तो मेरा वो एक साल बर्बाद चला जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा आपकी बार ही MBBS में एडमिशन ले लेते हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा मेडिकल फील्ड के अंदर, अपना कंपटीशन पे स्ट्रेस ना लें, लाइटली लेंगे तो इजीली है। मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स थी सो मुझे गाइड करने वाला कोई था नहीं उस टाइम पे। अगर किसी सब्जेक्ट में वीक ना हो, नॉर्मल हो, तब तो दो तीन अटैम्प्ट दे सकते हैं। अगर लगे कि एक सब्जेक्ट उनका वीक है और वो उसमें उसको सही नहीं कर पा रहे हैं तो उनको फिर ऑप्ट करना चाहिए बाहर। अगर उसके मार्क्स लाइक ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं वहाँ तक सो थर्ड की सोच सकता है, नहीं तो आई डोंट थिंक सो कि थर्ड अटेम्प्ट देना इट्स अ गुड आइडिया। और अगर उनका नहीं होता इंडिया के अंदर तो ऑब्वियसली फॉरेन में ऑप्शंस हैं। देर इज़ अ मिथ कि फॉरेन में जाते हैं तो उनको इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता, ऑब्वियसली मिलता है एक्सपोजर, बट हाँ वो ये है कि हमारी इंडिया में इतनी डिसीजेज हैं तो उनके बारे में नहीं बताया जाता वहाँ पर, बट एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है एज अ स्टूडेंट अगर देखें तो वहाँ पर। कोशिश करें कि MBBS बने, वो चाहे इंडिया से हो या विदेश से हो या रशिया से हो या कहीं से हो, लेकिन MBBS बन कर लें। और हमारे देश को डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरी है तो उस डॉक्टर के ज़रूरत को पूरा किया जाए। इतने टाइम बाद अपना ड्रीम अचीव करने जा रहे हैं, पहली बार मम्मी पापा से इतने दूर हो रहे हैं, दे आर हैप्पी एज वेल एज उनको टेंशन भी है थोड़ी सी कि कैसे मैनेज होगा वहाँ पे सब। थोड़ा सा परिवार से दूर होने का थोड़ा सा दुख कम रहता है बट कुछ पाने के लिए कुछ समय के लिए कुछ खोना ज़रूरी होता है। मेरे माइंड में एक ही चीज़ है कि मैं बहुत वहाँ जाकर मेहनत करूँ और जिस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ उस चीज़ को हासिल करूँ।